हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, 11:30 हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ प्रिया के यहाँ। उसके यहाँ पूजा है, तुलसी के लिए रेडी हो गई हूँ, बस निकलना है। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग आज के ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को और पूरा ब्लॉग देखिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए आप लोग भी मेरे साथ पूजा में हाय कर दो। निशु का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, बुखार आ गई है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। मैं आप लोगों को मौसम का भी नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, काफ़ी बारिश भी हो रही है यहाँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा मौसम है। चलिए हम लोग चलते हैं, काफ़ी लेट हो गई है तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूजा हो रही है और आज ऋषभ का बर्थडे है, उसी के लिए यहाँ पर पूजा हो रही है। सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए सबसे आप लोग मिल लीजिए। तो अभी मैं पूजा में शामिल होती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, पूजा से आने के बाद मैं आ गई हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा बहुत काम है। पहले तो मैं आई हूँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ मुझे काम है, अपने आधार का नंबर जो है चेंज कराना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और यहाँ पे सारा काम मेरा हो रहा है, आर्यन खड़ा भी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ चूड़ी के दुकान में, यहाँ पे मुझे चूड़ी लेनी है। भाभी ने बोला कि चूड़ी ले लीजिए और यहाँ पे 15 अगस्त की तैयारी हो रखी है, तो 3 रंग का जो है चूड़ी लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ चूड़ी का कलेक्शन है, मैं यहीं से जो है चूड़ी वाला जो भी होता है लेकर जाती हूँ। मुझे यहाँ का चूड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद आता है। ये सुहागन है इस शॉप का नाम, बहुत ही सुंदर यहाँ पे चूड़ी का कलेक्शन। अगर आप लोग जहानाबाद से हैं तो आप लोग यहाँ से आकर ले सकते हैं। ये देखिए चूड़ी मैंने निकलवा लिया है, यहाँ पे रेड कलर का मैं जो है चूड़ी ले रही हूँ ताकि मैं तीज में पहन सकूँ, क्योंकि अब जो है तीज आने वाला है तो उसी की तैयारी भी हो रही है साथी के साथ। तो ये देखिए चूड़ी जो है बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे चूड़ी जो है इन्होंने निकाला है, जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया है, वो मैं आप लोगों को ना तीज के समय ही दिखाऊँगी। और इसके बाद जो है मैं और भी कुछ काम करूँगी, तो ये देखिए काफ़ी सारा कलेक्शन मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े के शॉप पे, यहाँ पे मुझे साड़ी लेना है दीदी के लिए, दीदी को छठ के लिए जो है साड़ी चाहिए कॉटन में, तो वही मैं लेने आ गई हूँ। और यहाँ पे ये देखिए साड़ी जो है इन्होंने निकाल दिया है, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है साड़ी दिखाया गया है, जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अभी आप लोग साड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे साड़ी जो है लगाया हुआ है, मतलब दिखाया है उन्होंने। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का पीस ले रही हूँ और लड्डू गोपाल के लिए कुछ कुछ कपड़े मैंने लिए हैं, वो सब मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ घर पे और यहाँ पे मैं ना अभी खाना वगैरह खाई हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पेटीकोट सिल रही हूँ। ये दीदी का पेटीकोट है और ये सिलकर मुझे जो है भेजना है मुंबई, तो मैं इसे फटाफट से सिल लेती हूँ। एक मैंने सुबह में ही सिल के रख दिया है, अब इसे सिल लेती हूँ। और जो मैं नया लेकर आई हूँ उसे भी मैं कल जो है सिलकर और भिजवा दूँगी, कल मुझे निकलना भी है, तो फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, मेरा जो है काम हो गया, मैंने पेटीकोट जो है सिल लिया है और अब जो है मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने। तो भोग में मैं बनाऊँगी
सूजी का हलवा, और आज मैंने आप लोगों से बोला कि आज कुछ सरप्राइज़ है, तो वो थोड़े देर में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज ना मेरी भाभी का जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, तो उसी का जो है सेलिब्रेशन होने वाला है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़े देर में। वन के कंप्लीट हुए, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा लाउड आज लाउड बोला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये जर्नी बहुत, मतलब आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था मार्च में, नहीं सॉरी फैब में स्टार्ट किया था, बट मैं बहुत एक्टिव नहीं थी, मैं बहुत सीरियस नहीं थी, बट अप्रैल से मैं सीरियस थोड़ा बहुत होने लगी थी, तो इसीलिए बहुत जल्दी से बहुत जल्दी 1K हो गया। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब आज सेलिब्रेशन है, तो सब लोग को पार्टी दिया जा रहा है, सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। भाभी की तरफ से आज जो है पार्टी है, तो भाभी का 1K कंप्लीट हुआ है, उसी का जो है सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो सेलिब्रेशन जो है मैं लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो लाइव में आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो है मैं शूट करूँगी ब्लॉग में, वो भी आप लोग देखिएगा। तो मैं भी फटाफट से हलवा बना लेती हूँ, आप लोगों ने देखा, फिर मैं जो है सूजी को फ्राई कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों यहाँ पे हलवा रेडी हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है, और जब ये ठंडा हो जाएगा ठाकुर जी के लिए निकाल दूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो रात में भोग लगा दूँगी सोने से पहले। और यहाँ पर रोटी भी मैं बना लेती हूँ, तो फटाफट से जो है भोग मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, भोग जो है रेडी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक मिनट, अंधेरा आ रहा है, यहाँ पे मैंने जो है भोग लगा दिया है, काफ़ी अंधेरा है, लाइट कम है, और यहाँ भी यहाँ के ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा दिया है। जब से मैं आई हूँ तब से मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा रही हूँ, यहाँ के भी ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी जो है हो रही है बर्गर की, तो यहाँ पे आलू जो है भून के रखा गया है, और ये है कॉर्नफ्लोर, इसका जो है पहले बैटर बनेगा, यहाँ पे जो है कॉर्नफ्लोर निकाल लिया गया है, और टिक्की बनाया जा रहा है क्योंकि बन रहा है बर्गर, तो आलू का पहले टिक्की बनेगा कुछ इस तरह से, देखिए किस तरह से बनता है, इस तरह से फैला लेंगे और उसके बाद जो है इसे अरारोट में लपेट लेंगे और इसे छान लेंगे। हाँ ज़्यादा लजीज में अगर जाएंगे तो गलत होते बाइक ठीक। तो दोस्तों अब सब लोग रेडी हो गए हैं सेलिब्रेशन के लिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है तैयार किया गया है, यहीं पे जो है केक कट होगा। चलिए अब आप लोग को मैं बताती हूँ केक कटिंग के टाइम में थोड़ा बहुत ही शूट करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा कि मैं लाइव आने वाली हूँ। ये जो है केक आ गया है, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ये केक है, आप देख सकते हैं। बर्डन है बस
तो दोस्तों अब हम लोग कर रहे हैं डिनर, तो यहाँ पे बर्गर जो है रेडी हो गया है और उसके बाद शेक वगैरह मैं बनाऊंगी, बन गया है, बस उसे निकालना है, तो वो थोड़ी देर में करती हूँ, पहले बर्गर जो है एंजॉय कर लेते हैं उसके बाद। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है कॉफ़ी रेडी हो गया, कोल्ड कॉफ़ी विथ ओरियो। और ये कैसा बना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है, आप बहुत इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। बाय निश, बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। ये मस्ती कर रही है।